इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। आमतौर पर लोगों पर डंडे बरसाने और लोगों को धमकाने वाली पुलिस के हाथ ततिया में लोगों की मदद के लिए उठने लगे हैं। इंदरगढ़ में तो जरूरतमंदों के पेट भरने के लिए पुलिस ने एक होटल तक खुलवा दिया है, जहाँ जरूरतमंद और बाहर से गुजरने वाले गरीब और मजदूरों को निःशुल्क खाना खिलाया जा रहा है। ज्यादातर लोगों पर लाठियां चलाने और लोगों को धमकाने वाली पुलिस के हाथ इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए उठ रहे हैं। इंदरगढ़ में तो पुलिस ने परेशान और गरीब वर्ग की मदद के लिए नायाब पहल की है। यहां पुलिस ने जरूरतमंदों के पेट भरने के लिए एक होटल ही खुलवा दिया है, जहां जरूरतमंद और बाहर से गुजरने वाले लेबर क्लास के लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। पुलिस इस होटल में पूरे दिन खाना बनवा रही है। केवल बनवा ही नहीं रही, बल्कि यहाँ से पैदल गुजरने वाले हर शख्स को भोजन भी खिला रही है। होटल के भुगतान के लिए इंदरगढ़ टीआई रत्नेश यादव और थाने के पुलिसकर्मी आपस में चंदा करके होटल का बिल चुकाते हैं। तो उसी से प्रभावित होकर के हमने यहाँ पर अपने पुलिस स्टाफ से संवाद किया। पुलिस स्टाफ के, थाना के स्टाफ ने, सभी ने 500-500 रुपए का, किसी ने 1000 रुपए का सहयोग किया और हम लोगों ने इस तरह से मिलकर के एक कस्बे का ही एक होटल है, उनके मालिक से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम अपने होटल का सामग्री आपको इस्तेमाल करने देंगे। और जो पैदल यहाँ से मजदूर वर्ग के लोग टीकमगढ़ या झांसी तक जा रहे हैं, तो उन्हें हम यहाँ भोजन भी कराएंगे, उसके बाद वाहन की व्यवस्था भी करके उन्हें यहाँ से रवाना कराएंगे। यही नहीं, दतिया पुलिस बॉर्डर पर चेकिंग के अलावा यहाँ से गुजरने वाले हर परेशान मजलूम लोगों को खाना भी खिला रही है और दवा के साथ साबुन भी बांटती नजर आ रही है। ये लॉकडाउन जो चल रहा है, इसको देखते हुए काफ़ी मजदूर लोग बाहर से आ रहे हैं और ये लोग बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते थे, लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि इनके लिए बिल्कुल न खाने के लिए है ना रहने के लिए, ये पैदल जा रहे हैं। तो पुलिस अपने कर्तव्य के साथ, मानवता का भी उसका एक कर्तव्य होता है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और उनकी मंशा अनुरूप हम लोग इनको खाने की व्यवस्था करा रहे हैं और इनको ठहरने की व्यवस्था करा रहे हैं और इनको यहाँ से इनके गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए बसों का भी इंतजाम कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों को धमकाने, जायज काम के लिए भी घूस लेने और गरीबों को परेशान करने वाली वर्दी की हमदर्दी तारीफ़ काबिल है। संकट की इस घड़ी में पुलिस लोगों की इसी तरह मदद करती रही तो आम आदमी की नज़र में पुलिस की छवि और सोच बदलते देर नहीं लगेगी। दतिया से रवि रायकबार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।